तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी कोई मुकाबला था ही नहीं और ना ही कभी हो सकेगा। इस बात में शुरुआत से वास्तविकता थी, लेकिन हम लोग इसे कभी स्वीकार करते ही नहीं थे और बेवजह पाकिस्तान के नाम का हवा बनाकर भारत के अंदर ढिंडोरा पीटा जाता था। पाकिस्तान लिटरली भारत के सामने कहीं भी नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, उसके न्यूक्लियर वेपन्स हमारे लिए खतरा जरूर हो सकते हैं, जिसका समाधान हमारे डिप्लोमेटिक पैनल से किया जा सकता है और इन फ्यूचर हम लोग पाकिस्तान को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दे। अब चूंकि पाकिस्तान भारत के लिए डायरेक्टली किसी तरह का थ्रेट नहीं बन सकता, तो वो एक प्रॉक्सी वॉर भारत से लड़ता है। इसके लिए यूज किया जाता है पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को। अभी कुछ ही समय पहले देखा हम लोगों ने, पुंछ में भारतीय सेना के काफिले के ऊपर एक हमला करवाया गया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी मूल के आतंकी भी शामिल थे। और बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए कि इसमें 5 भारत के बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इनकी टाइमिंग देखी जाए तो इनकी टाइमिंग बिल्कुल G20 के साथ में ही चल रही है, उसके बिल्कुल पैरेलल। हम सभी जानते हैं कि G20 की एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की जानी है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ का माहौल बिगाड़ने का इससे अच्छा कोई दूसरा मौका उनके पास नहीं हो सकता था, तो उन लोगों की तरफ से इस कायराना हरकत को किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से तो जो वो कर सकते थे उन लोगों ने कर दिया। अब बारी भारत की आ गई है और भारत इसके बदले कुछ इतना विकराल कर सकता है जिसका अंदाजा तो हम लोग भी नहीं लगा पाए। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से उनके ही कुछ बड़े ऑफिशियल्स इस बात की जानकारी दुनिया को दे रहे हैं कि भारत एक्चुअली क्या कर सकता है। तो पाकिस्तान का पूर्व राजदूत जो कि भारत में पदस्थ था, आप इसे जानते होंगे, अब्दुल बासित इसका नाम है, तो इसकी तरफ से कुछ बताया गया है पुंछ के अंदर हुए आतंकी हमले को लेकर और भारत का उसके ऊपर क्या रिटालिएशन हो सकता है इसको लेकर। तो इसकी तरफ से ये बताया गया है कि भारत इसका बदला ले सकता है और इसके जवाब में भारत किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करवा सकता है। जी हाँ, और भारत की सीमा से लगते हुए इलाकों में जो आतंकवादियों के कैंप है, जहां पर उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जहां से वो घुसपैठ की प्लानिंग करते हैं, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में हम लोगों ने देखा। यानी इस बात का आकलन या इस तरह की बयानबाजी भारतीय पक्ष से नहीं की गई है, बल्कि ये खुद पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से की गई है। और पाकिस्तान की तरफ से भी कौन, जो खुद भारत का डिप्लोमेट रह चुका है, तो इसकी बात में काफी ज्यादा दम लगता भी है। और वैसे भी हम जानते हैं कि इस बार हमें मिराज इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि अब हमारे पास राफेल है, तो ये ज्यादा प्रिसीजन के साथ किसी बड़ी एयर स्ट्राइक को करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का हवा महल जो था ना, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, जब पाकिस्तान के एक बहुत ही पुराने और बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जनरल बाजवा, जो कि पाकिस्तान सेना का प्रमुख रह चुका है, उसने खुद ने इस बात को बताया उन्हें कि पाकिस्तान की सेना के पास इतना दमखम इस समय है ही नहीं कि वो भारत के सामने खड़ी हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के टैंक भी किसी काम के नहीं रहे हैं इस समय। उनके अंदर डीजल वगैरह डलवाने के भी पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है, ना ही फाइटर जेट में फ्यूल डलवाने के पैसे हैं। तो कहने का मतलब, मोरली तो उन लोगों ने समर्पण भारत के सामने कर ही दिया है। यही एक कारण था कि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा दृढ़ रहा और भारत के साथ सीज फायर करके किसी तरह का वायलेशन अभी तक नहीं किया गया। कुछ अगर छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो फिर आपको याद होगा इन्हीं सब चीजों को लेकर पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से सफाइयां पेश की गई थी और यहां तक की बात कर दी गई थी कि हम तो भारत को अंदर घुसकर मार सकते हैं। यानी किसी तरह का कोई युद्ध भारत के साथ अगर होता है, तो ये युद्ध बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान इसे भारत की टेरिटरी के अंदर तक लेकर जाएगा। यानी पाकिस्तान की फोर्सेस इतना दम रखती है कि वो भारत की टेरिटरी के अंदर घुसकर फिर भारतीय सेना से युद्ध करेंगी। तो इस तरह की सफाइयां पेश करनी पड़ी थी उन्हें, लेकिन जो वास्तविकता है इस समय पाकिस्तान की, वो दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान इस बात को खुद मान रहा है कि भारत की तरफ से कोई बड़ी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक के लिए थोड़ा सा वेट जरूर डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय G20 का समय है और G20 जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक भारत किसी तरह की कोई रिस्क ऑब्वियसली नहीं लेना चाहेगा। लेकिन ये जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बात के लिए अमेरिका भी कई बार बता चुका है। हम लोग पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि अमेरिका की तरफ से कई अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश की गई है और अमेरिका के द्वारा ये दावा किया गया है कि 2024-25 में पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी तरह का कोई भयानक युद्ध भी हो सकता है। यानी उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान आदत अनुसार किसी तरह का कोई बड़ा आतंकी हमला भारत के ऊपर करने की कोशिश करेगा या कर देगा। अब भारत इसके रिटेलिएशन में तगड़ा जवाब देगा और इस तरह से दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो सकता है। तो अल्टीमेटली भारत की इस समय पॉलिसीज क्या है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर हम लोग कितने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, इस बात की चर्चाएं अमेरिका में भी है। तो संभवतः यहां पर भारत की तरफ से जवाब जरूर दिया जाएगा।